शादी करना चाह तुम प्लीज इस रिश्ते को इनकार कर दो। कहेंगी कि तुम्हारी शादी निमरा से ही होगी। हाँ शहजाद साहब का फोन आया था। शादी में कार्ड छप गए। अब भी आप यही कहेंगी कि तुम्हारी शाम को रस्म करने आना चाह रहे हैं। मैं राशिद से ही होगी। क्या कर रहे हैं हाथ छोड़े। अब तो पूरी उम्र नहीं छोड़ूंगा। शादी तो उसकी अपने एक तरफ सुरैया राशिद से ये कहती है कि सदफ के साथ प्यार का नाटक करते रहो और उसे ये यकीन होना चाहिए कि तुम उसी से शादी करने वाले हो ताकि हमें खर्चा मिलता रहे। वही सदफ काफ़ी खुश होती है कि उसकी शादी राशिद से होगी। दूसरी जानब अशरफ काफ़ी परेशान होता है इस बात को लेकर कि निमरा पर किसी ने जादू किया है। जहाँ वजाहत निमरा का हाथ पकड़ के उसे हमेशा के लिए थामना चाहता है लेकिन सुरैया को बिल्कुल भी गवारा नहीं, इसलिए वो अपने काले अमल को मजीद तेज़ करती है। सुरैया के इस काले जादू के अमल के बारे में उसके बच्चे भी नहीं जानते। सबको लगता है कि वो एक नेक खातून है जो हर वक्त जिक्र अस्कार करती है। शहजाद का अरशफ को फ़ोन करके कहना कि वो आज ही रस्म करना चाहते हैं और वही होता है निमरा और वजाहत की मंगनी होती है। यहाँ तक कि निमरा की शादी का कार्ड भी राशिद तक पहुँचता है लेकिन राशिद फिर भी निमरा से ही शादी करने की ज़िद करता है। पर सुरैया को अब भी लगता है कि वो निमरा और वजाहत का रिश्ता ख़त्म कर सकती है। राशिद से बात बर्दाश्त नहीं होती और निमरा से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए तुम वजाहत के रिश्ते को मना कर दो। तभी उसको जोर का थप्पड़।